नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत प्रधान। हम आज चर्चा करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो आपके फॉरेस्ट्री पेपर एंड एनवायरनमेंट पेपर दोनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है और दोनों में कॉमन टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण को, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को, जो आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि इस टॉपिक को देखते हैं तो ये अपने आप में काफ़ी वृहद टॉपिक है, क्योंकि अगर आप एनवायरनमेंट पेपर में देखें तो करीब 40-50% सेगमेंट इसी बायोडाइवर्सिटी से मिलकर बना है। दूसरा, यदि आप देखें कि फॉरेस्ट्री का पेपर, तो फॉरेस्ट्री पेपर में आप जब सिल्वी कल्चर को पढ़ते हैं या वेजिटेशन को पढ़ते हैं तो उसमें ये जो टॉपिक है एक कॉमन टॉपिक है और बेसिक है। तो यदि हम इस टॉपिक को समझें तो आपके लिए काम आसान हो जाता है और एग्जाम रिलेटेड सभी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आसानी से हल हो जाते हैं। तो आइए इसे देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से, कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ और कुछ आवश्यक डेटा के साथ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले। तो यदि आप इस टॉपिक को देखें तो अपने आप में ये काफ़ी वृहद टॉपिक है, क्योंकि आप एनवायरनमेंट में क्या समझते हैं, एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर, अजैविक कारक और जैविक कारक। अजैविक कारक में क्या होता है कि आपका टेम्परेचर, ठीक है, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, प्रकाश यानी लाइट आदि को हम शामिल करते हैं। आप इसमें वायु शामिल कर देते हैं, सॉइल शामिल कर देते हैं जिसमें लाइफ नहीं होता। और जब बायोटिक फैक्टर की बात करते हैं तो इसमें जो आप अगर देखते हैं एनिमल प्लस प्लांट्स प्लस माइक्रोबियल्स, ठीक है, ये जिसमें लाइफ होती है हम उसे क्या करते हैं, बायोटिक फैक्टर में शामिल करते हैं। तो ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की जब बात करेंगे, पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे, तो आपका फॉरेस्ट्री पार्ट में देखेंगे तो हम प्लांट के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जब हम इन्वायरमेंट के कंसर्न में देखेंगे तो इन्वायरमेंट में एनिमल प्लस प्लांट दोनों को शामिल करते हैं। तो यदि हम इस टॉपिक को समझें तो इसका एक बेसिक अर्थ भी मालूम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम बायोडाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी वास्तव में है क्या और इससे रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, फैक्ट हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि बायोडाइवर्सिटी को मैं एक लाइन में कहना चाहूँ तो एनिमल डाइवर्सिटी प्लांट डाइवर्सिटी प्लस माइक्रोब्स, जंतु विविधता वनस्पति विविधता प्लस सूक्ष्म जीव। तो यही वास्तव में जैव विविधता का एक विस्तृत अर्थ होता है। और यदि इस टॉपिक में हम देखें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, तो फैक्ट में सबसे पहले महत्वपूर्ण फैक्ट आता है कि बायोडाइवर्सिटी टर्म यानी शब्द सबसे पहले किन्होंने प्रयोग किया था, तो वो है जी रोजेन के द्वारा, और हाल ही में इसे CGPSC के द्वारा पूछा भी गया है। दोस्तों कुछ स्रोतों में कुछ दूसरे आंसर्स भी आपको दिख सकते हैं, लेकिन इससे पूर्व 1985 से पूर्व इसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वर्ड यूज़ किया गया था। अब हम बायोडाइवर्सिटी वर्ड यूज़ करते हैं जिसे जी रोजेन ने यूज़ किया था और यही CGPSC का मानक आंसर भी है। यदि हम बायोडाइवर्सिटी के जो फादर हैं उन्हें देखें तो एडवर्ड ओ विल्सन को कहा जाता है। एडवर्ड ओ विल्सन ही इज़ द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और यदि बायोडाइवर्सिटी का हम अर्थ समझना चाहें तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र यानी ज्योग्राफिकल एरिया में एनिमल्स प्लस प्लांट की संख्या से है, और वो जहाँ मौजूद होते हैं उसमें भी, उसे भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो एनिमल्स प्लस प्लांट, और सूक्ष्मजीव की बात हम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो नेकेड होते हैं, नग्न होते हैं, उसे हम देख नहीं सकते। तो कुल मिला के क्या है, ये आपका बायोडाइवर्सिटी का सिंपल अर्थ है। याद रखिएगा, एनिमल्स प्लस प्लांट्स प्लस माइक्रोब्स, यानी कि अपने आप में ये वृहद अर्थ में है, ठीक है। अब यदि इसकी डेफिनेशन को देखें तो अर्थ सम्मेलन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में इसकी एक मानक परिभाषा या स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी गई है जो बहुत आसान है। देखते हैं कि जैव विविधता समस्त स्रोतों जैसे कि अंतर क्षेत्रीय यानी रीजनल, स्थलीय यानी लैंड, सागरी यानी कि ओशनिक और अन्य जलीय इकोसिस्टम यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये जितने भी जीव पाए जाते हैं, चाहे वो एनिमल्स की बात करें चाहे प्लांट्स की बात करें, उनमें जो डिफरेंस होता है, उनमें जो डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है, वही वास्तव में बायोडाइवर्सिटी है। और ये तीन प्रकार की हो सकती है। पहला क्या है, एक प्रजाति के अंदर, एक प्रजाति के अंदर का मतलब इनसाइड द स्पीसीज, यानी कि हम जीन लेवल DNA लेवल की बात कर रहे हैं। तो जीन लेवल DNA लेवल की जब हम बात करें तो हम उसे किस में रूप शामिल करेंगे, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी यानी कि अनुवांशिक जैव विविधता में। उसके बाद क्या देखेंगे, विभिन्न जातियों के मध्य यानी कि अलग अलग स्पीसीज के बीच में, उसे हम स्पीसीज डाइवर्सिटी कहेंगे। और पारिस्थितिकी डाइवर्सिटी यानी कि इकोलॉजिकल विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पारिस्थितिकी विविधता हम इसे कहेंगे। तो ये समझ गए, तीन टाइप हो गए इसका, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और थर्ड
द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये समझ गए अनुवांशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता और आपका पारिस्थितिकी जैव विविधता। तो क्या है इसे समझेंगे। अब हम एक महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी मिलती है, वो है क्या है, ब्राजील। तो ब्राजील में ज्यादा जैव विविधता क्यों मिलती है इसे भी हम देखेंगे। तो आइए हम समझते हैं इस बायोडायवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को बायोम की मदद से। ठीक है, बायोम वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि यदि वेजिटेशन ज्यादा होगा तो आपके लिए डायवर्सिटी ज्यादा होगी, और डायवर्सिटी यदि ज्यादा होगी तो बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिच एरिया या समृद्ध एरिया कहा जाएगा। और इसी के बेस पे हम ब्राजील में क्यों बायोडायवर्सिटी ज़्यादा मिलती इसे भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण ग्राफ है जो एनसीईआरटी किताब से ली गई है। दोस्तों, ये ग्राफ को आप समझ लें तो आपका बायोडायवर्सिटी का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ये आपका पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेशन एनुअल रेनफॉल को बता रहा है। एनुअल रेनफॉल यानी कि वर्षा, उसमें हम जो है जो स्नोफॉल होता है, जो बर्फ गिरते उसे भी हम शामिल करेंगे। और ये आपका क्या बताता है, ये आपका टेम्परेचर को बताता है। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर को बताता है। तो देखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर, यदि मैं यहाँ पे पहुँचूँ तो यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है और यहाँ पे पहुँचूँ तो कम टेम्परेचर है। तो यदि हम बात करें डेजर्ट एरिया, रेगिस्तानी एरिया में, तो रेगिस्तानी एरिया में क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये एनुअल टेम्परेचर की या एक मीन या एवरेज टेम्परेचर की बात की जा रही है यहाँ पे। और यदि इस एक्सिस को देखते हैं तो ये आपका एनुअल रेनफॉल को यानी कि प्रेसिपिटेशन को आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डेजर्ट को। तो डेजर्ट में क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पे रेनफॉल कम है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को आपस में आप रिलेट करेंगे तो ये दोनों में इसमें क्या है, आपका टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पे रेनफॉल कम है। तो यहाँ डाइवर्सिटी अपेक्षाकृत यानी कि बायोम्स यहाँ मिलने के चांसेस अपेक्षाकृत कम होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, यदि हम ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रासलैंड में यानी घास के मैदानों में, तो यहाँ पे भी क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, अपेक्षाकृत क्या है, यहाँ पे रेनफॉल थोड़ा सा ज़्यादा है आपके डेजर्ट के तुलना में। ये समझ गए। उसी प्रकार अगर आप देखें टेम्परेट फॉरेस्ट यानी समशीतोष्ण वन, यहाँ पे देखिए रेनफॉल ज़्यादा आ रहा है और एक सर्टेन टेम्परेचर भी दिख रहा है, इसीलिए ग्रीन पार्ट है यहाँ पे। मतलब जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर या सनलाइट ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, और यहाँ पे क्या है आपका जो टेम्परेचर या ज़्यादा टेम्परेचर किसके कारण होगा, सनलाइट के कारण होगा। तो सनलाइट ज़्यादा है तो अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट ज़्यादा है तो यहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, और यहाँ पे रेनफॉल यानी कि पौधों को पानी भी मिल रहा है, इस कारण यहाँ पे डाइवर्सिटी हो सकती है। ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें, उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन, तो यहाँ पे देखते हैं बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इसमें आपका टेम्परेचर या सनलाइट भी ज़्यादा पड़ती है, तो ये तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे आवश्यक जो शर्त है कि यदि ज़्यादा प्रकाश मिलता है, ज़्यादा पानी मिलेगा तो वो ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो ब्राज़ील किसका एग्जांपल है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहेंगे, क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। यदि अमेजन के जंगल को आप देखें तो अमेजन के जंगल जो काफ़ी डाइवर्सिटी के लिए काफ़ी समृद्ध माने जाते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए समृद्ध माने जाने वाला ये जो अमेजन फॉरेस्ट है ब्राज़ील में 60% है, यानी कि ओवरऑल अमेजन का 60% पार्ट जो है ब्राज़ील में, इसलिए सर्वाधिक जैव विविधता वाला राष्ट्र कौन सा हो गया, ब्राज़ील हो गया। अब वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा, यहाँ पे देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यानी कि वहाँ प्लांट ज़्यादा है, प्लांट स्पीसीज ज़्यादा हैं, मतलब प्रोड्यूसर ज़्यादा हैं, उत्पादक ज़्यादा हैं, ज़्यादा उत्पादक तो उससे ज़्यादा फूड चेन निकलेगी, ज़्यादा खाद्य श्रृंखला निकलेगी। तो आपको क्या मैंने बताया था कि उत्पादक को शाकाहारी खाएंगे, शाकाहारी को मांसाहारी खाएंगे, मांसाहारी को हो सकता है सर्वाहारी खाएं, यानी कि प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है, या टॉप कंज्यूमर, ये समझ गए। तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई कर पा रहे हैं कि यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है बिकॉज ऑफ सनलाइट, क्योंकि ये आपके इक्वेटर के करीब माने जाते हैं, सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा है। तो यहाँ इसलिए बायोडायवर्सिटी के लिए सबसे समृद्ध इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है पहला।
दूसरा अमेज़न के बारे में, या हम इस बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ से समृद्ध माने जाने वाले ब्राज़ील के उस अमेज़न फॉरेस्ट की बात करें, तो यदि हम इसे कहें तो इसे अर्थ का लंग कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि ओवरऑल पृथ्वी में कुल जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसका 20% पार्ट अकेला यहाँ के ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये समझ गए कि ये जो क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए काफ़ी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं, अच्छा यहाँ पे टेम्परेट की बात करी, सम शीतोष्ण तो अपेक्षाकृत यहाँ पे क्या है आपका, टेम्परेचर तो है यानी कि सनलाइट तो है, बट यहाँ रेनफॉल कम है, ये समझ गए। अब यहाँ देखते हैं अगला, कोनीफोरस यानी कि आपके शंकुधारी, ठीक है। तो कोनीफेरस जैसे कि साइकस पाइनस वगैरह के बारे में आप सुने होंगे, है ना। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल पे होता है, ये कोन शेप के इस टाइप से होते हैं, और यहाँ पे रेनफॉल भी इस प्रकार आपको दिखाई दे रही है, ये समझ गए। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रेनफॉल भी कम है और टेम्परेचर भी कम है, तो ये वो आर्कटिक या एल्पाइन रीजन है या टुंड्रा रीजन है। तो ये आप समझ पाए क्या, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊँगा। देखिए इसको रिलेट करेंगे टेम्परेचर या सनलाइट के साथ, और इसको रिलेट करेंगे आप वर्षा या एनुअल रेनफॉल के साथ। तो यदि आप देखते हैं यहाँ टेम्परेचर कम है और रेनफॉल भी कम है, इसलिए थोड़ा डाइवर्सिटी कम मिलेगी। यहाँ पे ज़्यादा है टेम्परेचर या सनलाइट भी ज़्यादा है, और यहाँ पे एनुअल रेनफॉल भी ज़्यादा है, प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा, इस कारण यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी। इस कारण ब्राज़ील में जो है बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है, ये समझ गए आप। यदि आप इतना समझ गए हैं तो अब इससे रिलेटेड हम ट्रिक को देखते हैं, जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। दोस्तों यदि इसमें ट्रिक को अप्लाई करना चाहें तो मैं कहूँगा डिजिटल टॉपर ऑफ कोको अर्चित, ठीक है। कोको मीन्स कॉम्पिटिशन कमेटी, आप ले कोको कॉम्पिटिशन कमेटी का शॉर्ट नेम है। तो डिजिटल टॉपर ऑफ कोको अर्चित, तो डिजिटल डी स्टैंड फॉर डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, जी फॉर ग्रासलैंड, ठीक है, ये ग्रासलैंड है। उसके बाद देखते हैं टेम्परेट के लिए टी, उसके बाद फिर ट्रॉपिकल के लिए टॉपर का टी, एंड को मतलब कोनीफेरस शंकुधारी, और अर्चित मतलब अल्पाइन या आर्कटिक रीजन वाला पार्ट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये जो बायोम्स है इसका रिलेशन आपके डाइवर्सिटी से किस प्रकार है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड एक काफ़ी महत्वपूर्ण डायग्राम को, जो आपके कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्लियर कर देगा। देखिए ये बेसिकली टॉपिक किसका है, बायोम का। अब बायोम को हम किससे रिलेट कर रहे थे, बायोडाइवर्सिटी से, ठीक है। तो यदि हम बायोम को बायोडाइवर्सिटी से रिलेट करें तो हम देखेंगे कि ये जो पार्ट है, जो पोलर रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र है, उसके बाद टुंड्रा रीजन है, उसके बाद इधर देखेंगे तो गर्म मरुस्थल है, हॉट डेजर्ट है, और इधर देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये समझ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले आप इधर भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार ओवरऑल क्या होगा कि ये पोलर रीजन में डाइवर्सिटी कम मिलती है, क्योंकि यहाँ भले रेनफॉल हो, रेनफॉल भी कम रहती है और यहाँ पे टेम्परेचर भी कम रहता है। इसी प्रकार आप इस डेजर्ट वाले पार्ट में भी देखते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर तो ज़्यादा रहता ही है बट यहाँ पे रेनफॉल कम रहता है, ये समझ गए। तो यहाँ पे भी डाइवर्सिटी कम और यहाँ पे भी कम, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी कम और यहाँ पे भी कम। बट अगर देखें डाइवर्सिटी कहाँ मिलती है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा मिलती है। तो ये एक बायोम का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इधर हम वार्मनेस बढ़ेगी, इधर कोल्डनेस बढ़ेगी, यहाँ गर्मी बढ़ेगी, यहाँ पे ठंडी बढ़ेगी, यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी, उसी प्रकार यहाँ ड्राइनेस बढ़ेगा और उधर क्या है वो वेट यानी कि ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र आपको मिलेगा। तो ये वो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कि अलग अलग प्रकार की जो वेजिटेशन मिलती है, वनस्पतियाँ मिलती हैं, इस बायोम के कॉन्सेप्ट के अनुसार मिलती हैं। तो अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग प्रकार की आपकी वेजिटेशन मिल सकती है, समान प्रकार के लैटिट्यूड में समान प्रकार की वेजिटेशन मिलती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर आप देखें इस डायग्राम को, इस डायग्राम के बेस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपको पूछा जाए सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलती है, तो यहाँ पे मिलेगी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है और टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा होता है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, ब्राज़ील उसी का उदाहरण है।
ये समझ गए आप, ये आप नोट कर लें क्योंकि ये महत्वपूर्ण डायग्राम है, आपके सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इसमें छुपे हुए हैं। ठीक है, तो हम इसे क्वेश्चन बनाते समय फिर से इसे हम रिकॉल करेंगे। तो देखिए अब हम अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। तो यदि हम इनके अलग अलग के हिसाब से देखें तो जो डेफिनेशन जो हमने दिया था, तीन प्रकार की जो हमारे पास डाइवर्सिटी थी, कि हमारे पास क्या थी, आपकी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, फिर स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, फिर इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो अल्टीमेटली इसका सीधा संबंध किसके साथ होता, बायोम के साथ होता है, उत्पादक के साथ होता है, क्योंकि वहीं से खाद्य श्रृंखला चालू होती है। और हम जब बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो हम किसकी बात करते हैं, हम केवल लिविंग पार्ट की खासकर बात करते हैं, एनिमल प्लांट प्लस माइक्रोब्स। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपका क्या है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, आनुवांशिक जैव विविधता। तो किसी प्रजाति में जीन की विविधता होती है, यानी किसी समुदाय में एक जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन को आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं मैंगो का या राइस का। आप देखते हैं कि भारत में करीब हजारों किस्म के राइस अलग अलग प्रदेशों में उगाई जाती है। वैसे आम भी देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के आम होते हैं। तो आम का नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, स्पीसीज तो एक ही है, लेकिन आम के बहुत सारे आपके प्रकार आपको पता होगा। वैसे ही राइस आप देखते हैं, आप बासमती राइस भी खाते हैं, आप दुबराज भी खाते हैं, आप HMT भी खाते हैं, आप सरना भी खाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो राइस की डाइवर्सिटी है, सबका नाम ओरिजा सेटाइवा है, उसका बॉटनिकल नेम माने स्पीसीज एक ही है, बट उसमें उनके जीन में परिवर्तन हो जाता है। उनके अंदर आपको पता है एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, उस क्रोमोसोम में क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, और डीएनए सेगमेंट में आपके क्या है, जीन्स पाए जाते हैं। तो इतना अंदर हम ना जाके हम क्या करें, आनुवांशिक विविधता यानी जीन ही किसी स्पीसीज में किसी महत्वपूर्ण लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो यदि हम जीन लेवल पे चेंजेस कर दें तो उसके लक्षण भी चेंज हो जाते हैं, कैरेक्टर भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यदि एक आम जो है खट्टा है, दूसरा आम मीठा है, और तीन दोनों को आप जो है वो तीसरा पार्ट हाइब्रिड वाला पार्ट बनाते हैं, जो ज़्यादा खट्टा भी नहीं है, ज़्यादा मीठा भी नहीं है, तो या तो आप क्रॉस कराएंगे या उनमें क्या है, उनके जीन में आप चेंजेस कराएंगे। तो आप समझ रहे हैं जीन लेवल तक या अनुवांश जेनेटिक लेवल पर होने वाले डाइवर्सिटी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब यदि हम एग्जाम्पल यहाँ पर भी ले लेते हैं, जैसे आप देखिए स्थलीय एंड पोलर बियर, एक काला होता है दूसरा सफ़ेद होता है, तो वो जीन ही रिस्पॉन्सिबल है उसके कलर के लिए। हालांकि कई बार क्या होते हैं, पर्यावरणीय जो जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है, क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण भी उसमें म्यूटेशन आ जाता है या जीन लेवल पे उसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो इसके कारण भी कैरेक्टर जो हैं अलग अलग प्रदर्शित होते हैं। ये समझ गए। अब देखते हैं दूसरा, प्रजाति जैव विविधता यानी कि स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है कि किसी एक कम्युनिटी है और दूसरी कम्युनिटी है, दोनों अलग अलग जगह पे हैं, और दोनों कम्युनिटी में अलग अलग प्रकार के जीव हैं यानी कि प्रजाति हैं यानी कि स्पीसीज हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसे समझते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जीव जंतुओं के समुदायों की प्रजातियों में विविधता को प्रजाति जैव विविधता कहते हैं। समझ रहे हैं, समुदाय का मतलब क्या है, एक जीव है, समान प्रकार के जीव किसका निर्माण करेंगे, जनसंख्या या पॉपुलेशन या समष्टि का निर्माण करेंगे। ठीक है, जैसे कि भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, तो 130 करोड़ क्या, समान प्रकार के जीव, होमो सेपियंस, तो समान प्रकार के जीव, जनसंख्या यानी समष्टि यानी पॉपुलेशन का निर्माण किए। अब देखते हैं किसी समुदाय या कम्युनिटी का निर्माण कौन करेंगे, बहुत सारे स्पीसीज, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग के अलावा यहाँ पे टाइगर है, हिरण है, यहाँ पे गाय है, यहाँ पे प्लांट्स हैं, तो ये सभी क्या है, सब में लाइफ है, तो सब मिलके किसका निर्माण करेंगे, किसी क्षेत्र में, किसी एरिया पर्टिकुलर में हम क्या है इसका निर्माण करेंगे, हम कम्युनिटी का निर्माण करेंगे। एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की स्पीसीज मिल रहे हैं, वो कम्युनिटी का निर्माण कर रहे हैं। अब बहुत सारे कम्युनिटी मिलके आप क्या कर रहे हैं, या कम्युनिटी का एक बड़ा ही रूप क्या है, इकोसिस्टम हो गया। तो हम क्या देखें, समुदायों में प्रजातियों में जो विविधता है उसको प्रजाति जैव विविधता कहते हैं। अब उसमें जो विविधता है उनकी वृद्धि के कारण भी हो सकती है, उनमें बहुलता यानी कि ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले कारण की भी हो सकती है। ठीक है, और
किसी प्रजातियों में जो विविधता है उनकी संख्या के कारण, अलग अलग स्थानों में पाए जाने के कारण ये डाइवर्सिटी मिलती है। ठीक है, तो कुल मिला के एग्जाम्पल अगर लें, जैसे कि आप पश्चिमी घाट लें, वेस्टर्न घाट, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी घने वन मिलते हैं, तो वहाँ की तुलना में आप पूर्वी घाट को ले लें, तो पूर्वी घाट में जो पाए जाने वाले जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ है और वेस्टर्न घाट में पाए जाने वाले जो स्पीसीज़ हैं, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न की स्पीसीज़ को आप कंपेयर करते हैं दो अलग अलग जगह की कम्युनिटी को, तो उसमें देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है। तो उसे हम क्या है, प्रजाति जैव विविधता कहते हैं। समुदायों के बीच याद रख, समुदायों में प्रजातियों के बीच याद रखना, ठीक है, दो समुदाय या बहुत सारे समुदाय हो सकते हैं और बहुत सारे उसमें प्रजाति या स्पीसीज हो सकते हैं। तीसरा देखते हैं कि पारिस्थितिकी जैव विविधता, यानी कि वहाँ का इकोलॉजी ही चेंज हो जाए, वहाँ की जो है इकोसिस्टम ही चेंज हो जाए। जैसे कि आप एग्जांपल सीधा ले लें, जैसे कि हमने ग्रासलैंड लिया था या मरुस्थल लिया था, ठीक है, या कोरल रीफ वाला पार्ट लेते हैं, तो एक डेजर्ट की तुलना में आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे हम उदाहरण देखे थे उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, दोनों जगह अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी मिलेगी, अलग अलग प्रकार का वहाँ का वेदर या क्लाइमेट मिलेगा। उसके कारण क्लाइमेट क्या है, ए बायोटिक फैक्टर है, अजैविक कारक है, उसके कारण क्या है, वो जैविक कारकों को प्रभावित करते हैं और उसमें वो अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी दिखती है। तो एक इकोलॉजिकल लेवल पे हो, एक बड़े रूप में यदि हो डाइवर्सिटी, तो उसे हम क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। ये क्लियर हो गया। जीन स्तर पर हो या जेनेटिक लेवल पे, तो जेनेटिक। प्रजाति स्तर पर हो, यानी एक समुदाय में बहुत सारे प्रजातियों को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें होने वाली जो डाइवर्सिटी है, प्रजाति या स्पीसीज डाइवर्सिटी। उसके बाद यदि इकोलॉजिकल लेवल पे हो, यानी कि वहाँ का इकोसिस्टम ही चेंज हो जाए, जैसे डेजर्ट या जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तो वहाँ पे दो अलग अलग इकोसिस्टम के कारण जो है वहाँ पे आप अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी दिखती है। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। अब हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को जो आपके बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट यानी कि जैव विविधता प्रवणता को एक्सप्लेन करता है। यदि इस कॉन्सेप्ट को देखें तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे आप हम अर्थ को देखते हैं तो ये 0 डिग्री है, यहाँ पर इक्वेटर है, ठीक, ये 23.5 यानी कि ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कर्क रेखा है, यहाँ पर 23.5 देखते हैं, यहाँ पर मकर रेखा है, ठीक, और ये क्या आपका पोल्स एरिया है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव। अब यहाँ पे देखते हैं ये बीच वाला पार्ट जहाँ इक्वेटर, यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, ये समझ गए, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए एक अच्छा एक जो सनलाइट है वो यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद देखते हैं कि इन क्षेत्रों में यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, तो अलग अलग जब हम लैटिट्यूड में जाने लगते हैं, अलग अलग अक्षांशों में जाने लगते हैं, तो अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन दिखती है, वनस्पतियाँ दिखती हैं, यानी प्रोड्यूसर अलग अलग मिलना चालू हुआ। तो अलग अलग जलवायु जब क्लाइमेट चेंज या अलग अलग जो जलवायु स्थिति मिलती है, जलवायु परिवर्तन दिखता है, उसके कारण क्या है, डाइवर्सिटी भी प्रभावित होती है। तो जब हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील जो है आपके इसी इक्वेटर के पास में है, तो ये ब्राज़ील में क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहाँ वर्षा भी ज़्यादा होती है, और अमेजन के बारे में तो पता ही है, वो उसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया ही था वो 20% ऑक्सीजन अकेला प्रोड्यूस करता है। तो ये समझ गए, तो यहाँ पे होता क्या है, इस क्षेत्र में टेम्परेचर रेन फॉरेस्ट ज़्यादा होने के कारण क्या है, ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं, यहाँ पे डेजर्ट भी मिलता है, तो डेजर्ट जो है हॉट डेजर्ट मिलता है, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है लेकिन वहाँ पे रेनफॉल कम होता है। तो याद रखिएगा, दोनों स्थिति, टेम्परेचर यानी सनलाइट भी ज़्यादा हो और यहाँ पे रेन भी ज़्यादा हो, तभी वहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी। केवल ज़्यादा आपके टेम्परेचर के कारण ये नहीं होता, जैसे डेजर्ट में कम मिलता है, बट यहीं पे हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये ज़्यादा मिलता है। ये क्लियर हो गया। तो अब हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन देखो, भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो डाइवर्सिटी कम होती है, ठीक है, इक्वेटर से आप पोल्स की ओर जाएं तो डाइवर्सिटी कम होती है, यानी कि लैटिट्यूड बढ़ रहा है तो डाइवर्सिटी कम हो रहा है, ठीक है, ये समझ गए। तो ये वही चीज़ है, एक्चुअल में ये इस प्रकार है, ठीक है,
तो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश में यानी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, यानी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर या पर्वतीय क्षेत्रों ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्रजातियों की संख्या में जो अंतर आता है, यानी कि जो डाइवर्सिटी मिलती है वही आपकी ग्रेडियंट या बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट कहलाती है। ये समझ गए? अब जैसे कि हम पर्वत क्षेत्र में जो चोटी वाला या पिक वाला एरिया है उस क्षेत्र में डाइवर्सिटी कम मिलेगी, बट जो उसके बेसिक वाला बेस वाला पार्ट है जहाँ पे ऊंचाई कम होती है उस क्षेत्र में ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। क्योंकि हमने देखा ही था कि हमने जब टुंड्रा फॉरेस्ट या आर्कटिक फॉरेस्ट या दूसरे जो पर्वती वन है या जहाँ पे कहेंगे कि ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, नहीं होता, कम टेम्परेचर होता, उस क्षेत्र में क्या है आपके देखेंगे कि कम डाइवर्सिटी मिलती है। अब हम स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट यानी कि जैव विविधता प्रवणता के आधार पर इसमें जैव विविधता का मापन किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों, यदि हमने बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट को समझा है, यानी कि हमने देखा था कि उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी घटती है, हमने देखा था। वैसे ही उसी बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट के कारण जो है इसका मापन हम किस प्रकार करेंगे उसे हम समझते हैं, और इसमें बिल्कुल ये महत्वपूर्ण फैक्टर है तो उस फैक्टर्स को समझते हैं। यदि हम इसे मापन को देखें तो अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी तीन प्रकार की डाइवर्सिटी होती है। तो अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी को हम समझना चाहें तो यदि एक समुदाय में विविधता का मापन करें तो हम अल्फा डाइवर्सिटी का यूज करेंगे। दो समुदाय या विभिन्न समुदायों के बीच अगर हम डाइवर्सिटी को मेजरमेंट करेंगे तो बीटा डाइवर्सिटी को मापेंगे, और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में या एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में जो हम डाइवर्सिटी को अगर मेजरमेंट करें तो गामा डाइवर्सिटी के साथ करेंगे। अब ये तीनों चीज है क्या, इसे समझिए। आप इमेजिन करिए एक ऐसे कम्युनिटी की जहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो मान लो एक्स डेट में आपने वहां पे डाइवर्सिटी का नंबर 100 लिया, अब ठीक एक साल बाद आप वहां पे देखते हैं डाइवर्सिटी की संख्या 200 हो गया। तो एक समुदाय में प्रजातियों की संख्या जो है वो अल्फा विविधता के अंतर्गत आती है, ये समझ गए। अब यदि बीटा डाइवर्सिटी को देखें तो बीटा डाइवर्सिटी क्या है कि मान लो कोई ऐसा क्षेत्र की फिर कल्पना करते हैं और उस क्षेत्र में देखते हैं कि स्पीसीज कितने हैं, मान लो 500 है, ठीक है। अब मान लो जलवायु परिवर्तन हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ या उसके कारण इस क्षेत्र में पर्यावरणीय परेशानियां बढ़ गई, कठिनाइयां बढ़ गई, तो ये जो चैलेंजेस बढ़ा तो इस क्षेत्र में रहने वाले समुदाय में जितने भी प्रजाति हैं यानी स्पीसीज हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि पहले जिस क्षेत्र में वो अनुकूलित थे, अडेप्टेड थे, उस क्षेत्र में वो आसानी से रह रहे थे जिसके कारण इसकी संख्या 500 थी। अब हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग आया, सुनामी आया, भूकंप आया या आग लग गई या कोई भी ऐसा जो है पर्यावरणीय कठिनाइयां आ गई। तो यहाँ पे दो प्रकार की चीजें होंगी, यदि यहाँ अनुकूल वो रह पाएंगे तो ये संख्या यथावत रहेगी, लेकिन मान लो अनुकूल नहीं हो पाए तो ये मर भी सकते हैं कुछ संख्या में। ऐसा भी हो सकता है कि वो पास के किसी समुदाय में चले जाए यानी यहां से यहां माइग्रेट कर जाए, ठीक है। तो जो ये विस्थापन की दर है, डिस्प्लेसमेंट रेट है, तो ये एक या दो समुदाय नहीं हो सकता, बहुत सारे समुदाय हो सकते हैं किसी क्षेत्र में। तो ये समुदायों के बीच प्रजातियों के जो विस्थापन की दर है यही आपका बीटा डाइवर्सिटी है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो ये इसका सेकेंड मापन है। अब देखते हैं कि किसी भौगोलिक क्षेत्र की विविधता क्या है। तो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में देखेंगे तो एक काफी ज्यादा डाइवर्सिटी मिल सकती है। अब इस क्षेत्र में प्रजातियों की यानी स्पीसीज की कितनी रिचनेस है, कितनी प्रचुरता है, ठीक है, तो उसको कैसे मापेंगे। मान लो जैसे हम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे गामा इक्वल टू S1 प्लस S2 माइनस C। अब ये S1 S2 क्या है, देखिए प्रजाति की प्रचुरता या रिचनेस कैसे होगी जब वहां ज्यादा संख्या में स्पीसीज मिलेंगे। तो मान लो गामा इक्वल टू हम S1 की वैल्यू मान लो 500 लेते हैं, ठीक, यानी कि एक समुदाय में पाए जाने वाले स्पीसीज की संख्या 500 है, दूसरे समुदाय में पाए जाने वाली स्पीसीज की संख्या भी 500 है, ठीक है। अब देखते हैं सी क्या है। सी क्या है, वो कॉमन स्पीसीज है जो इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है।
तो मान लो इसकी संख्या 200 है, यानी कि 200 ऐसी प्रजातियां हैं जो इसमें भी मिलती है और इसमें भी मिलती है। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये 1000 हो रहा है, 200 माइनस कर दे तो टोटल वैल्यू कितनी मिल गई, 800 मिल गई। तो ये किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों की प्रचुरता, मतलब 800 प्रकार की प्रजातियां यहां मिल रही है, तो ये गामा डाइवर्सिटी है। और दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गामा डाइवर्सिटी का रिलेशन किसके साथ है, तो भौगोलिक क्षेत्र की विविधता के साथ है। आई होप ये क्लियर होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर, क्या और महत्वपूर्ण पार्ट है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें तो जब हम पर्यावरण सम्मेलन को देखेंगे, अपने आप में कंप्लीट जो है ये क्लास होती है जिसमें कि आपको 1 से 1.5 घंटे लगते हैं पूरे सभी पर्यावरण सम्मेलन को कवर करने में, क्योंकि पर्यावरण का मतलब वृहद होता है, जिसमें आप जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन भी देखेंगे, ओजोन परत से रिलेटेड सम्मेलन भी देखेंगे, जैव विविधता से संबंधित पर्यावरण सम्मेलन भी देखेंगे, ठीक है, या फिर हम देखेंगे कि जो मरुस्थलीकरण से संबंधित जो है वो सम्मेलन को भी देखेंगे। तो अपने आप में वो कंप्लीट टॉपिक होता है, लेकिन बायोडायवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ देखेंगे तो हम इस सम्मेलन को देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ में क्या था कि बायोडायवर्सिटी सम्मेलन जो है एक्चुअल में उसका उद्गम कहाँ हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन 1 से हुआ था, ऐसा हम आधिकारिक रूप से कहेंगे। क्यों, भले 1972 में स्टॉकहोम में समिट हुआ था पर्यावरण सम्मेलन, लेकिन जो यूनाइटेड नेशन का जो पहला अर्थ समिट हुआ था उसमें जो विभिन्न दस्तावेज रिलीज किए गए थे, ठीक है, उसमें क्या था, रियो घोषणा पत्र, एजेंडा 21 यानी कि सतत विकास से रिलेटेड ये था, फॉरेस्ट प्रिंसिपल दिया गया था वन के टिकाऊ प्रबंधन के लिए जो सिद्धांत था वो, और यहीं पे बायोडायवर्सिटी का भी जो कंजर्वेशन के लिए सम्मेलन का उद्गम हुआ था। सीबीडी का मतलब कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण के विरुद्ध जो है हमारे लिए, हमने क्या है प्रबंधन के लिए अलग अलग प्रकार के सम्मेलन करने का प्रस्ताव रखा था। तो यहां से उद्गम हुआ था आपका आधिकारिक रूप से जैव विविधता सम्मेलन, ठीक है। यदि हम ये न दिया रहे तो 1972 स्टॉकहोम समिट रहे तो वो भी पर्यावरण से संबंधित है, याद रखिएगा। अब देखेंगे पृथ्वी सम्मेलन 1 कब हुआ था, 1992 में हुआ था, और इसके ठीक 10 वर्ष बाद यानी कि 2002 में क्या है पृथ्वी सम्मेलन 2 हुआ था, जिसे रियो प्लस 10 समिट भी कहते हैं, ठीक है। और यहां पे भी क्या है, सतत विकास पे सम्मेलन, एजेंडा 21 का क्रियान्वयन और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद देखेंगे पृथ्वी सम्मेलन 3, जिसे रियो प्लस 20 सम्मेलन भी कहते हैं, इसमें क्या है, ये रियो डी जेनेरो के जो पहला पृथ्वी सम्मेलन था उसके ठीक 20 वर्ष बाद वर्ष 2012 में हुआ था, ये भी रियो डी जेनेरो में हुआ था, याद रखिएगा। पृथ्वी सम्मेलन 1 रियो डी जेनेरो, पृथ्वी सम्मेलन 3 भी रियो डी जेनेरो, और 2 कहां हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो इसमें कुछ अलग अलग थीम या चिन्हित जो क्षेत्र रखे गए थे सेक्टर, जिसमें रोजगार, ऊर्जा, संपोषणीय शहर, खाद्य सुरक्षा, जल समुद्र, आपदा प्रबंधन आदि रखे गए थे, लेकिन हम यहाँ पे बायोडायवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे और इसका विस्तार पूर्वक चर्चा हम पर्यावरण सम्मेलन वाले टॉपिक में देखेंगे। तो ये आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि यदि 2015 में कोई हमारे पास, हमने यूनाइटेड नेशन में कोई ऐसी सहमति बनी थी जो हमारे ओवरऑल जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से संबंधित था, तो उसमें क्या था कि अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अब क्या है, जो सहस्राब्दी विकास लक्ष्य था, अब उसकी जगह क्या है, 17 ऐसे सतत विकास लक्ष्य जो है उसे हम शामिल करते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम शामिल करते हैं, जो आने वाले हमारे समूह सभी प्रमुख लक्ष्यों को वो क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अब हम देखते हैं आज जो हमने पढ़ा इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों यदि हमने कॉन्सेप्ट समझा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपसे हल हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है इसमें। तो यदि जैव विविधता को परिभाषित किस प्रकार करें, तो मैंने कहा था एनिमल्स प्लस प्लांट्स प्लस माइक्रोबियल्स, ठीक है। तो इसमें देखिए तो विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी ये है ऑप्शन, उसमें क्या है आपका देखें मौसमी परिवर्तन, उसके बाद देखिए दूसरे प्रजाति में विभिन्नता, तो एक या दूसरे प्रजाति नहीं करना, विभिन्न प्रजातियों जो सबसे कॉमन चीज दिख रहा है, और केवल भौतिक घटक बोल रहा है तो यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर की बात की रही है तो यहाँ पे देखते हैं एनिमल्स प्लस प्लांट्स प्लस माइक्रोबियल तीनों की बात आ जाती है विभिन्न प्रजातियों में, ठीक है। तो इसका आंसर ये क्या फर्स्ट होगा। उसके बाद देखते हैं कि जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में
कौन सा स्थानीय स्तर पर समुदाय में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। तो प्रजाति विविधता हमने किस में देखा था, वो किस में देखा था, अल्फा विविधता में देखा था, ठीक है, अल्फा में देखा था, क्योंकि प्रजातियों में अगर होता, समुदायों में अगर होता, किसी समुदाय को बोल रहा है, ठीक है, इसलिए यहां पे हम अल्फा डाइवर्सिटी को लेंगे। ये क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड देखते हैं, अच्छा बीटा क्यों नहीं होगा, ये पता है क्योंकि समुदाय कॉमन होता वहां पे, है ना, प्लूरल होता तो वहां पे बीटा हम ले सकते थे, गामा तो नहीं ले सकते क्योंकि प्रचुरता की बात ही नहीं कर रही है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण केवल भोजन नहीं है, केवल औषधि नहीं है, क्योंकि भोजन भी मिलता है औषधि भी मिलता है, औद्योगिक उपयोग भी नहीं है, तो पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन या पारिस्थितिक तंत्र की ओवरऑल जो है हम कह सकते हैं रिचनेस कह सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ह्रास किससे होता है, क्षति किससे होती है, लॉस। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था यदि जैविक, यदि कोई जीव है उसका प्राकृतिक आवास है यानी नेचुरल हैबिटेट है, यदि हम इसे नष्ट कर दें तो वहां पूरा इकोसिस्टम ही नष्ट हो जाता है। तो इकोसिस्टम नष्ट होना मतलब एनिमल भी डिस्ट्रॉय हो गया, प्लांट भी डिस्ट्रॉय हो गया और माइक्रोबियल्स जो नेकेड होते हैं वो भी नष्ट होने की संभावना है। तो यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक आवास के विनाश के कारण सर्वाधिक जैव विविधता विनाश होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011-2020 के लिए कौन सा दशक जो है निर्दिष्ट किया है, यानी 2011-2020 कौन सा दशक डेडिकेट किया है। तो दोस्तों ये है जैव विविधता दशक, ये 2010-2020 भी दिखेगा कई जगह, उसका अर्थ कॉमन है, ठीक है, ये जैव विविधता दशक के रूप में यूनाइटेड नेशन ने इसे घोषित किया है। उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, वो है हम वो ग्रेडियंट वाली बात करें और वो जो ग्राफ हमने देखा था, तो ग्राफ में क्या देखा था हमने कि यहाँ पे क्या था, उष्णकटिबंधीय वर्षावन थे, कहाँ पे, इस जगह पे, और टेम्परेचर भी ज्यादा था, तो जहां पे रेनफॉल भी ज्यादा टेम्परेचर भी ज्यादा तो वो कहाँ है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे जो है टेम्परेट फॉरेस्ट भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी दिया हुआ है, कोनीफेरस भी दिया हुआ है, पोलस भी दिया हुआ है, बट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ग्रेडियंट को देखें, तो ग्रेडियंट में क्या था कि इक्वेटर पे क्या है ज्यादा होगी, पोल्स पे कम होगा, तो इक्वेटर से आप पोल्स की ओर जाएंगे तो डाइवर्सिटी कम दिखेगी। आइए देखते हैं, टुंड्रा शंकुधारी उष्णकटिबंधीय वन और शीतोष्णकटिबंधीय वन, तो यहाँ पे फिर आंसर क्या है, उष्णकटिबंधीय वन होगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया आपको। तो आज हमने 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा जो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड था। यदि हम बायोडाइवर्सिटी टॉपिक को कवर करना चाहें कम से कम 4-5 महत्वपूर्ण क्लास में ये कवर होती है, क्योंकि अपने आप में ये वृहद पार्ट है। आज आपने केवल डेमो क्लास देखा और डेमो क्लास में आपने कुछ कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्सेप्ट के बेस पर 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपने समझा। अब हम यदि डेमो क्लास में कुछ और सीरीज हम जब लेके आएंगे तो आने वाले विभिन्न विषयों के साथ वो डेमो क्लास का भी आप आनंद उठा सकते हैं। और यदि आप हमारे कोर्स को परचेस करना चाहें तो निश्चित तौर पे डेमो क्लास को फॉलो करते हुए उच्च गुणवत्ता युक्त इन जो महत्वपूर्ण क्लास हैं उनको देखकर निश्चित तौर पर परचेस कर सकते हैं। थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।